आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की जो जानकारी दूंगी, जिसमें कि मैं आपको वैकेंसी जुड़ी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नोटिफिकेशन है उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। जो उसके एडवर्टाइजमेंट है इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड है, मैं आपको लिंक ओपन करके पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो के साथ आप सब एंड तक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ, gayatrijobs.com पे। तो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की, 5846 वैकेंसी सीट्स हैं इसमें, तो जो कि रिलीज़ होने जा रही हैं। रिलीज़ 1 अगस्त से रिलीज़ हो जाएंगी और 7 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं वैकेंसी में। वैकेंसीज के लिए DB कांस्टेबल वैकेंसीज 5846 पोस्ट की है। वैकेंस पोस्ट नेम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज नंबर प्रोवाइड हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं मेल एंड फीमेल्स की। और जो कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन है वह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, और जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पे होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इंपॉर्टेंस डेट द ओपनिंग इन एंडिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन बिटवीन 1 अगस्त से 7 सितंबर, लास्ट डेट टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर 9 सितंबर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट्स जैसे कि 27 नवंबर से 30 नवंबर में होगा, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक होगा, 7 दिसंबर से 11 दिसंबर में होगा और 14 दिसंबर में होगा। इसी तरीके से एडमिट कार्ड और रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी जारी होते ही। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, पास 12 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, LMB मोटरसाइकिल और कार ड्राइवर लाइसेंस फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव, लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड कैंडिडेट who have not acquired to essential education qualification stipulated date will not be eligible and need to apply. The candidate who have passed 11th class may also apply for the below category post: Delhi police batsmen and burglars, mountain constable, driver, dispatch raiders, Delhi police sons of serving deceased retired police personnel including multitasking staff, Delhi police constable age limitations bhi provide hain, wo aap check kar sakte hain। तो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट जो मेल होगा वो चेस्ट मीन 76 सेंटीमीटर UN एक्सपेंडेड और 80 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड फॉर ऑल कैंडिडेट। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, फीमेल हाइट 155 सेंटीमीटर्स होगी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, हाइट 165 सेंटीमीटर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। इस तरीके से फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा, रेस होगी उसमें मेल एंड फीमेल की, लॉन्ग जंप होगी 1600 मीटर की और 6 मिनट के अंदर, 1600 मीटर ही 8 मिनट के अंदर होगी। हाई जंप होगी 14 फीट की, 10 फीट की और 3 से 9 फीट और 3 फीट की। एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये है, बाकी आप डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। सैलरी डिटेल्स, लेवल 3 का एज पर 7 CPC 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2000 रुपये एंड अदर अलाउंस एज एडमिसिबल। तो कुछ क्वेश्चन है वैकेंसी जुड़े कि इसमें कितनी वैकेंसी पोस्ट हैं, 5840 वैकेंसी पोस्ट हैं और वैकेंसीज में कौन अप्लाई कर सकता है, तो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी प्रोवाइड है। इस तरह से कई क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उनके आंसर्स भी हैं कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षण होगा, दक्षता परीक्षा होगी, चिकित्सा की जांच होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट डेट सितंबर है, 7 सितंबर। एडवर्टाइजमेंट हिंदी में भी प्रोवाइड है, हिंदी में पूरी एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप फिर ऑफिशियल लिंक ओपन करेंगे और लास्ट डेट से पहले वाले वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।